नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो एचटेट का पेपर हुआ था पीआरटी का, हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें मैं खाली अभी आंसर की बताऊंगा, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस फिर कभी कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है, तो एक बिस्किट जो इसका राइट आंसर रहेगा। स्कैफोल्डिंग की किसने दी थी भाई, सभी को पता है वाइगोत्सी के द्वारा दी गई थी, तो सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रति छेद बिंदु पर स्थित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी किसके द्वारा की गई थी, कैनर के द्वारा की गई थी भाई। फिर है, डिसग्राफिया एक प्रकार है, किस प्रकार का है, अधिगम असमता का है भाई। फिर है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो चर अनुपात जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है। फिर है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है, तो बताइए किसने माना है, जॉन लॉक ने माना है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, नहीं पूछा है, साक्षात्कार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, अंतर्दृष्टि अधिगम की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, नहीं पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है, तो एनिमिज्म की तरफ कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रोफिन ब्रेनर की जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जैव पारिस्थितिक मंडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है, तो सूक्ष्म तंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सौलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, तो PECS जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई, कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है, इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है, और माता के प्रति ओडिपस कहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है, तो प्रमोट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडलिंग के किस पर आधारित है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर क्या है मॉडलिंग आधारित है भाई। तो शेपिंग किसके द्वारा दी गई है, ये भी आप सभी को पता है, स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, तो समंजन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो प्याजे के द्वारा दिया गया था भाई। फिर है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा, तो नकारात्मक हो जाएगा भाई अगर बाधा डालेगा तो। एक पूर्व सक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी पारिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो ये प्याजे ने किसकी तरफ किया है, तो केंद्रीकरण की तरफ किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण। फिर है, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, तो किस पर है, तो इसका राइट आंसर रह जाएगा अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। नेक्स्ट है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो पहले तीनों हैं, लास्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा एस्टोमोर्फी जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, तो तैयारी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है, तो आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रोनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्रिलिक जो अवस्था है ये नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, वाइगोत्सी के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी पूरी सीमा कहलाती है, संभावित विकास का स्तर कहलाती है, तो ये आपके साइको क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हिंदी पर, सबसे पहला देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन कि चौथा पांचवा कैसा विशेषण है, तो क्रमवाचक में आ जाएगा, तो राइट आंसर क्रमवाचक हो जाएगा। किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नाइन के अंतर्गत नहीं हुआ है, नाइन
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो अमरेश्वर जो है इसका नहीं है, तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो मैं मेरे घर जाऊंगा ये गलत है, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए ये भी है हमें, यह वाकई एक गंभीर समस्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में नित्य बहुवचनानंद है, तो नित्य जो बहुवचनानंद है ये व्याख्याता में आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए, तो पहला ही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषिद्ध वाला जो है ये असंगत है भाई। नेक्स्ट है संबंध सूचक सर्वनाम जो है ये छाटना हमने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध सूचक के अंतर्गत, तो जो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपने प्रत्यय बताना है, जो ए है, जो ए यही पहला ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर है संज्ञा बतानी है आपने, भाववाचक संज्ञा पद है, तो भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है, तो बचपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है राम ने किसान की जमीन हथिया ली, तो आपने इसमें प्रयुक्त शब्द बताना है कौन सा है, और हथिया के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो नाम धातु क्रिया जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 41, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो सेकंड जो है यह हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए, तो यण संधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण पद चुनिए, तो गुणशाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए, तो आपादान बच्चे बंदर से डरते हैं, तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे महिला आंखों से अंधी है ये भी इसमें अंत आता है, पर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नान वनान पद में कौन सा समास है, तो अविभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर लेना चाहे तो द्वंद्व भी ले सकता है, पर वनान का कोई अर्थ नहीं होता, तो अविभाव जो समास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी हमने एक वीडियो और डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैथ और कॉमन पार्ट का और ईवीएस हमने डाल रखी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।